हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो डेविल पनिशर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 13 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अब वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शिनो झोंगकुई के साथ बुरे बर्ताव करती है, जिसके वजह से झोंगकुई अपसेट होके चला जाता है। और उसके जाने के बाद बोया खुश होके शिनो को हक करके बोलता है, अगर तुम ऐसे ही झोंगकुई के साथ सारे रिश्ते तोड़ के मेरे साथ रही तो मैं झोंगकुई को हर्म नहीं करूंगा। शाम को शिनो और बोया एक साथ कॉफी शॉप से घर जाते हैं, जहां झोंगकुई पहले से ही शिनो के लिए वेट कर रहा था। तो झोंगकुई को देख के शिनो जानबूझ के बोया का हाथ पकड़ लेती है और झोंगकुई को बोलती है अब उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुन के झोंगकुई बहुत ही दुखी हो जाता है और शिनो ये बोल के चली जाती है। अगले दिन बोया शिनो के साथ डेट पे जाता है, जहाँ स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को एक साथ देख के उनके पिक्चर्स क्लिक करके सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं। और ये पिक्चर्स जब ओयंकाई देखता है तब वो एनही को इसके बारे में बताना चाहता है, और एनही ओयंकाई से ये सब कुछ सुन के विश्वास नहीं करती और बोया से मिलने उसके घर जाती है। उधर बोया शिनो का हाथ पकड़ के घर आ रहा होता है और रास्ते में शिनो को बोलता है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, क्या तुम जानती हो कि मैंने 1000 साल तक इंतजार किया है ऐसे ही तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। ये सुन के शिनो उससे बोलती है, अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, क्या तुम अब मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम किसी और को कभी भी हार्म नहीं करोगे। ये सुन के बोया कुछ भी नहीं बोलता। वो दोनों घर पहुँचते हैं और इन्हीं शिनो को बोया के साथ देख के गुस्सा होके उसे थप्पड़ मारती है, जिसके वजह से बोया गुस्सा होके उसको बोलता है कि शिनो को हार्म करने का हक सिर्फ उसका है। तो बोया की बातें सुन के इन्हीं बिल्कुल चुप हो जाती है और बोया इन्हीं को कंट्रोल करने लगता है। ये देश के शिनो समझ जाती है कि इन्हीं पूरी तरीके से बोया के कंट्रोल में है, इसलिए ही वो इतने दिनों से अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। घर जाके शिनो इन्हीं को समझाने की कोशिश करती है कि बोया उससे प्यार नहीं करता और सिर्फ उसको यूज कर रहा है, लेकिन इन्हीं शिनो की बातें नहीं सुनती और गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देती है। उधर झोंगकुई देखता है कि इन्हीं ने शिनो को घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए वो ओयंकाई को शिनो को उसके घर में रखने बोलता है। तो झोंगकुई की बातें सुन के ओयंकाई शिनो को उसके घर में रहने के लिए बुलाता है। अगले दिन शिनो बोया के घर में एक सीक्रेट रूम में बहुत सारे इंसानों के सोल्स को कैद देखती है, तभी वहाँ बोया आता है। तो शिनो जब उसे पूछती है कि क्यों उसने इतने सारे सोल्स को कैद करके रखा है, तब बोया बोलता है कि ये सभी सोल्स उन दोनों की इमोर्टल होने के प्रोसेस में काम आएगी। ये सब कुछ बोल के बोया शिनो को उसके साथ उसके घर में रहने आने बोलता है, ताकि वो हमेशा शिनो के ऊपर नजर रख पाए। शिनो बोया के घर में रहने के लिए आ जाती है, जिससे बोया बहुत ही खुश हो जाता है। वो शिनो को उसके रूम में सुलाता है। अगले दिन सुबह बोया शिनो को नींद से जगाने जाता है और शिनो के नींद से जगने के बाद उसे बोलता है कि उसकी फ्रेंड उससे मिलने आई है। ये बोल के वो शिनो को नीचे लेके जाता है, जहाँ शिनो इन्हीं को देखती है। बोया इन्हीं के बॉडी से इविल एनर्जी को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद इन्हीं दर्द में तड़पने लगती है। इन्हीं को दर्द देख के बोया शिनो को बोलता है कि अगर वो बोया की बात नहीं मानी तो बोया इन्हीं को ऐसे ही दर्द देता रहेगा। ये सुन के शिनो बोलती है कि वो बोया की हर बात मानेगी। ये सुन के बोया इन्हीं के ऊपर मैजिक करके उसको ठीक कर देता है और इन्हीं के ठीक होने के बाद उससे घर चले जाने बोलता है। तो इन्हीं बोया की बात सुन के घर चली जाती है। बोया शिनो को लेकर कहीं जा रहा होता है, तभी बोया के घर में झोंगकुई आता है शिनो के बोया के घर में शिफ्ट होने की खबर सुन के। तो झोंगकुई को देख के बोया के कहने पर शिनो उसको बोलती है कि वो बोया से कुछ ही दिनों में शादी करने वाली है, तो अब उसके और झोंगकुई के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुन के झोंगकुई फिर से दुखी होके चला जाता है। बोया शिनो को घर ले जाके उसे एक रिंग देके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन शिनो उसे बोलती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुन के बोया गुस्सा हो जाता है और अपने गुस्से को शांत करने के लिए इन्हीं को घर में बुलाने का सोचता है, इसलिए वो एनही को मैसेज करके उसे घर में बुलाता है। उधर एनही बोया की मैसेज देख के उसके पास नहीं जाती, क्योंकि वो धीरे धीरे ये समझने लग गई थी कि बोया उसको यूज कर रहा है, इसलिए वो बोया के पास जाना नहीं चाहती थी। तभी उसके पास ओयंकाई आता है और उसे देख के वो ओयंकाई को उसके साथ घूमने जाने बोलती है। तो ओयंकाई एनही के साथ गेमिंग पार्लर में जाता है, जहाँ वो दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। उधर बोया बार बार एनही को
वो मैसेज करने लगता है, लेकिन इन्हीं बोया के मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। फिर ओयंग काई इन्हीं को एक जगह पर ले जाता है जहां इन्हीं को अचानक से बोया की आवाज सुनाई देती है और बोया उसे बार बार उससे मिलने आने बोलने लगता है। ये आवाज सुन के इन्हीं पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और ओयंग काई को बार बार उसे बचाने बोलती है। इन्हीं की ये हालत देख के ओयंग काई समझ नहीं पाता कि वो क्या करेगा, तभी इन्हीं वहाँ बेहोश हो जाती है तो ओयंग काई उसे झोंगकुई के पास ले जाता है और वहाँ ले जाते ही झोंगकुई इन्हीं के मुंह पे बोया के हाथ को देखता है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि बोया इन्हीं को कंट्रोल कर रहा है। तो चिंग हुआन अपनी पावर से इन्हीं के अंदर से इविल एनर्जी को बाहर निकाल के इन्हीं को ठीक कर देता है। अगले दिन सुबह इन्हीं को जब होश आता है तब फिर से उसे बोया की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसको सुन के वो पागलों की तरह भागते हुए बोया के पास चली जाती है। तो बोया उसे मिल के उसे बोलता है कि कल उसके इतने बुलाने के बाद भी इन्हीं उसके साथ मिलने नहीं आई, तो बोया की बात ना सुनने की जुर्म में इन्हीं को पनिशमेंट मिलेगी। ये बोल के वो इन्हीं को घर में लेके जाता है। उधर झोंगकुई इन्हीं के लिए परेशान होके बोया के घर में आता है, लेकिन बोया ने अपने पावर से घर के आसपास एक बैरियर बना दिया था जिसके वजह से झोंगकुई घर के अंदर नहीं जा पाता। तभी वहाँ शिनू आती है और झोंगकुई शिनू को देख के उसे बोलता है कि इन्हीं बोया के पास है और बोया शायद इन्हीं के साथ कुछ गलत करने वाला है। ये सुन के शिनू झोंगकुई को इशारा करके उसकी अंगूठी दिखाती है जिसको चिनगुआंग ने उसे दिया था, और ठीक वैसी ही अंगूठी चिनगुआंग ने झोंगकुई को भी दिया था ताकि शिनू और झोंगकुई एक दूसरे के साथ उस अंगूठी के जरिए कम्युनिकेट कर पाए। ये अंगूठी दिखा के शिनू इशारे में झोंगकुई को बोलती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। ये बोल के शिनू जब घर में जाती है तब वो देखती है कि इन्हीं नीचे बैठी हुई है और उसके सामने एक बड़ा सा रफलेसिया फूल है। तो शिनू के आने के बाद बोया किसी के सोल को इन्हीं के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिसके वजह से इन्हीं दर्द में तड़पने लगती है। ये देख के शिनू उसे हेल्प करने जाती है, लेकिन बोया उसे वहाँ फ्रीज कर देता है। सोल ट्रांसफर होने के बाद बोया इन्हीं को घर के बाहर ले जाता है और बोलता है कि इन्हीं को एक बार उसकी माँ से मिलने जाना चाहिए। ये सुन के इन्हीं उसकी माँ से मिलने जाती है और ओयंग काई जो कि इन्हीं को फॉलो करते हुए बोया के घर के बाहर आ गया था, वो इन्हीं को देख के उसे फॉलो करता है। इन्हीं हॉस्पिटल से उसकी माँ की चीजों को लेके घर जाने लगती है। तभी ओयंग काई उसके पास आता है और ओयंग काई को देख के इन्हीं बोलती है, मेरी माँ मर गई है, बोया ने मुझे पनिशमेंट दिया क्योंकि मैं उसके कहने पर उससे मिलने नहीं गई थी। ये बोल के इन्हीं घर चली जाती है और उसकी माँ की आखिरी निशानी को देख के रोने लगती है। तभी वहाँ बोया आता है और इन्हीं को बोलता है कि आज से तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। ये सुन के इन्हीं चुपचाप बोया की बात मान जाती है। ओयंग काई इन्हीं के घर में उससे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो बोया के घर में शिफ्ट हो गई है। ये सुन के वो झोंगकुई के पास जाके उसे ये सब कुछ बताता है। तो झोंगकुई उसे बोलता है कि इन्हीं उसकी बहन है और वो इन्हीं को कुछ भी करके बोया से सेफ रखेगा। रात में झोंगकुई चिंगहुआन से बातें करते हुए उसे बताता है कि शिनू ने उसे पहले ही बता दिया था कि बोया ही लुची है और वो दोनों उस दिन इंटीमेट होने के टाइम जानते थे कि बोया उन दोनों को देख रहा है, इसीलिए उन दोनों ने बोया को दिखाने के लिए ब्रेकअप करने का नाटक किया था। ये सुन के चिंगहुआन बोलता है बोया के साथ रह के उसके अगेंस्ट प्लान करना शिनू के लिए भारी पड़ सकता है। ये सुन के झोंगकुई बोलता है कि वो शिनू इन्हीं और खुद को बोया से जरूर बचा लेगा। उसी रात झोंगकुई इन्हीं के सपने में जाके उसे बता देता है कि पास्ट लाइफ में वो उसका भाई था और ये सपना देख के इन्हीं को पता चल जाता है कि झोंगकुई उसका भाई है। अगले दिन शिनू सोचती है कि वो बोया को खुश करने के लिए उसके लिए खाना बनाएगी, ताकि बोया शिनू के ऊपर किसी भी बात से गुस्सा होके इन्हीं के ऊपर उस गुस्से को ना उतारे, इसलिए वो बोया के लिए खाना बनाती है। और ये देख के बोया इतना खुश हो जाता है कि वो खाते हुए रोने लगता है और फिर शिनू को एक जेट पेंडेंट देता है जो कि शिनू की माँ की आखिरी निशानी थी। और शिनू ने पास्ट लाइफ में पैसे की कमी के वजह से मजबूरी में उस जेट पेंडेंट को बेच दिया था, तो उस गिफ्ट को देख के शिनू भी बहुत ही खुश हो जाती है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।